गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा रहे थे, जैसा कि आप लोग को हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तहत आपको न्यू रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो ये निकालने के लिए आपको बता चुके हैं। अब जो बताने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी। तो उसको ध्यान से देखेंगे। हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटी, जो टॉपिक है उसका नाम है रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको इसके बारे में बता चुके थे कि किसी भी कारण से पार्टनरशिप फर्म में यदि बदलाव होता है तो उसका सारा इफेक्ट पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटी पे, सारा प्रभाव पड़ता है एसेट्स और लायबिलिटी पे। और जब एसेट्स लायबिलिटी प्रभाव पड़ता है तो उसके तहत हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं कि कितना हमारा एसेट बढ़ रहा है, कितना एसेट्स मेरा घट रहा है, कितना लायबिलिटी बढ़ रहा है, कितना लायबिलिटी घट रहा है। तो इसको निकालने की विधि नाम है रिवैल्यूएशन एसेट लायबिलिटी। तो बेसिकली इसके तहत आपको उसकी जनरलिटी बताए थे, एक बार रिपीट करें एंट्री। सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट्स होता है, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट्स होता है, जैसा कि एंट्री आपको इसकी पिछली वीडियो में बता चुके हैं, एंट्री वहां देख लीजिएगा। इंक्रीज इन एसेट्स का एंट्री होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इंक्रीज इन लायबिलिटी का होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, डिक्रीज इन लायबिलिटी का होता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये चार महत्वपूर्ण एंट्री है। गुड, उसके बाद अगला एंट्री करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस का। प्रॉफिट लॉस का एंट्री होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व का होता है जनरल रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, उसके बाद यदि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस और रिजर्व का अमाउंट आपका डेबिट बैलेंस दिया हो या एसेट्स में दिया हो, तो उस कंडीशन में हमारा एंट्रीज होगा, ध्यान से नहीं कुछ बताएंगे, उस कंडीशन में एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसको डिवाइड करेंगे हमेशा ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमारा अगला एंट्री टॉपिक है कि कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन, मतलब जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है तो अपने साथ वो कैपिटल गुडविल लाता है, तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुड, उसके बाद गुडविल को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो गुडविल जब भी डिवाइड करते हैं तो हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में, जिसके तहत हमारा एंट्री होता है हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गुड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस गुडविल अमाउंट को हमेशा सैक्रिफाई रेशियो में ही डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा एंट्री होता है, वो एंट्री तभी होगा जब बोलेगा विड्रॉ का एंट्री। विड्रॉ का एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके तहत हमेशा ओल्ड रेशियो डिवाइड करेंगे। सारा एंट्री होने के पश्चात हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल, लॉस हो तो पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अब आपको दो तीन क्वेश्चंस बताएंगे जिसके तहत आप ध्यान देख लीजिएगा सर, कुछ क्वेश्चंस है उसको आप ध्यान देखिएगा सर, कुछ क्वेश्चंस क्या है वो ध्यान देखिएगा सर। मान लीजिए हमारा क्वेश्चंस है, गौर कीजिएगा, मान लीजिए हमारा क्वेश्चंस है कि हमारा ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो दिया है 3:2, एडमिट जो कर रहा है उसका नाम है सी, सी एडमिट कर रहा है 1/6 ईयर से। गुड, 1/6 ईयर से, यह प्रश्न बोला है ए बी पार्टनर इन द रेशियो 3:2, बैलेंस शीट फॉलो, कहने मतलब है बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है, डाटा यहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट, ध्यान से देखिए क्योंकि क्वेश्चन लिख के बता रहे आपको, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये हो गया लायबिलिटीज अमाउंट, ये हो गया आपका लायबिलिटीज, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका एसेट्स और ये हो गया आपका अमाउंट। गुड, मान लीजिए यहां लिखा है कैपिटल, कैपिटल लिखा है ए और बी, ए का लिखा हुआ है 3 लाख रुपीज और बी का लिखा हुआ है 2 लाख रुपीज, टोटल हो गया 5 लाख रुपीज। आपका क्रेडिटर का अमाउंट दिया है 1 लाख रुपीज, आपका प्रॉफिट लॉस का अमाउंट दिया है 50,000, कितना दिया है, आपका जनरल रिजर्व भी दिया है 50,000। गुड,
प्रश्न में यहाँ पे टोटल ये हो गया हमारा 7 लाख, यहां पे दिया हुआ है कैश दिया है 1 लाख, आपका डेटर दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000, गुड। या ये भी दिया है 1 लाख रुपीज, कितना दिया सर 1 लाख रुपीज, आपका प्लांट दिया हुआ है 3 लाख रुपया, और आपका बिल्डिंग जो दिया हुआ है वो दिया है 2 लाख, टोटल हो गया 7 लाख, गुड। कितना हो गया? उसके बाद आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है नीचे कि दे एडमिट सी, एडमिट क्या, सी एडमिट क्या है, बोला है हमारा 1/6 है, बोला है कैपिटल 50,000 रुपीज, देन गुडविल 30,000 रुपीज, गुड। प्रश्न में लिखा हुआ है कि बिल्डिंग विल इंक्रीज, बिल्डिंग विल इंक्रीज 20%, गुड। कितना इंक्रीज क्या है 20%, और लिखा हुआ है हमारा प्रश्न में कि प्लांट का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 2,90,000, गुड। 2 लाख, क्रेडिटर का अमाउंट दिया है हमारा 90,000, कितना दिया सर 90,000, बोला है रिवैल्यूएशन बनाने के लिए, क्या बोला सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले इसका वर्क नोट समझिए, वर्क नोट ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन में कि इस प्रश्न में हमारा ए और बी पार्टनर है, रेशियो दिया 3:2, हमारा एडमिट जो कर रहा है उसका नाम है सी, क्या नाम है सी, 1/6 है, तो इस प्रश्न का ओल्ड रेशियो भी यही है और सेक्रीफाई रेशियो भी यही है, क्लियर। अब यहां पे सी ज्वाइन कर रहा है तो ला रहा है कैपिटल, कैपिटल ला रहा है 50,000, कैपिटल वो ला रहा है कितना सर 50,000, 50,000, और गुडविल अमाउंट ला रहा है 30,000, क्लियर। यहां लिखेंगे प्लस, यहां क्या लिखेंगे प्लस, मतलब होता है क्या इंक्रीज किया, माइनस मतलब क्या डिक्रीज किया। तो प्रश्न बोला है बिल्डिंग इंक्रीज 20, बिल्डिंग अमाउंट 2 लाख दिया है, तो बिल्डिंग हमारा बढ़ रहा है 40,000, क्योंकि 2 लाख का 20% होता है 40,000। अगला हमारा बोला है प्लांट 290, प्लांट का अमाउंट 3 लाख था, तो प्लांट हमारा कितना घट रहा है 10,000, क्लियर। क्रेडिटर का अमाउंट था 1,90,000 दिया, तो क्रेडिटर भी हमारा घट रहा है कितना से 10,000 से, कितना से घट रहा है सर 10,000। अब इसी वर्किंग नोट के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो एंट्री करेंगे गौर कीजिएगा, सबसे पहले एंट्री करेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, तो सबसे पहले आप कॉलम बना दीजिएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले एंट्री कीजिएगा इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट होता है एसेट टू रिलेशन, तो बढ़ा कौन हमारा बिल्डिंग बढ़ा, तो इसका एंट्री होगा बिल्डिंग कौन डेबिट। क्वेश्चन में एक चीज और छोड़ दिए सर, क्वेश्चन क्या छोड़े, प्रश्न में दो चीज दिया हुआ है, एक दिया है पीएल और एक दिया है जनरल रिजर्व, दोनों का अमाउंट दिया 1,10,000 रुपीज, दोनों का अमाउंट कितना दिया 1,00,000 रुपीज, क्लियर। अब सबसे पहले एंट्री करेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, तो इंक्रीज एसेट का एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बिल्डिंग बढ़ा हमारा 40,000, तो 40,000 देन 40,000, कोई दिक्कत। जैसे इंक्रीज होगा दूसरा एंट्री होता है डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज केवल प्लांट कर रहा है, तो डिक्रीज का एंट्री इसका अपोजिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, तो ये दिया हमारा 10,000 और ये दिया 10,000। तीसरा एंट्री होता है इंक्रीज इन लायबिलिटी, नरेशन में जो टॉपिक है, तो इंक्रीज को लायबिलिटी नहीं दिया, डिक्रीज में क्रेडिटर हो रहा है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी का एंट्री होता है लायबिलिटी टू रिलेशन, तो लायबिलिटी का नाम है क्रेडिटर, इसका एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, गुड।
इसका अमाउंट दिया 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। अगला एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर नाम क्या है ईएनबी, तो इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो भैया जनरल रिजर्व का अमाउंट जो दिया है वो दिया 1,00,000 रुपीज, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो ये देंगे 60,000 और ये देंगे 40,000। सेम एंट्री करेंगे पीएल का, इसका एंट्री करेंगे पीएल का एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर क्या है ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, ये भी अमाउंट 1,00,000 है, तो ये हो गया 60,000 देन 40,000, क्लियर। अगला एंट्री करेंगे हमारा, गौर कीजिएगा, अब इसके बाद एंट्री होगा एडमिशन का, तो सी एडमिट किया है तो उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, गुड। तो भैया कैपिटल आया हमारा कितना सर 50,000 और गुडविल आया है 30,000, तो टोटल हो गया आपका 80,000। उसके बाद हम गुडविल को डिवाइड करेंगे, तो गुडविल डिवाइड का एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो ओल्ड नाम क्या ये भी है इज कैपिटल अकाउंट देन टू बीज कैपिटल अकाउंट, गुड। अमाउंट दिया है 30,000, रेशियो है 3:2, तो ये होगा आपका 18,000 देन 12,000, क्लियर। ये कंप्लीट एंट्री, उसके बाद आप एंट्री का स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको करना है प्रॉफिट लॉस का एंट्री। अब इसी एंट्री के तहत हम बनाएंगे लेजर रिवैल्यूएशन का, तो गौर कीजिएगा पूरी एंट्री में रिवैल्यूएशन 3 जगह, एक क्रेडिट है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, गुड। तो जो क्रेडिट है वो बाय बिल्डिंग होगा, एक डेबिट है तो टू प्लांट होगा और एक बाय क्रेडिटर होगा, बाय क्या होगा क्रेडिटर। तो जब आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, जब आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के तहत पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और डेबिट में टू होता है, क्रेडिट में बाय होता है। तो सबसे पहले एंट्री में हमारा गौर कीजिएगा, इधर देखिएगा यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट था तो बाय बिल्डिंग होगा, क्या होगा सर बाय बिल्डिंग, तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अमाउंट है 40,000, टू प्लांट है हमारा 10,000 और बाय हमारा क्रेडिटर जो हमारा है वो हमारा है 10,000, तो टोटल हमारा हो गया 50,000, यहां भी लाना है 50,000, यहां हमारा कम होता है तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट, क्या हो जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 40,000। अब 40,000 बांटेंगे ए और बी में, कौन से में 3:2 में, तो देंगे 24,000 देन 16,000, गुड। अब इसी प्रॉफिट का एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग जिस पे छोड़े थे, इसी प्रॉफिट का एंट्री कहाँ करेंगे जिस पे छोड़े थे, तो प्रॉफिट का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट, तो टोटल प्रॉफिट निकला है आपका 40,000, ये देंगे 24,000 देन ये 16,000, ये बांटे हैं कौन इशू 3:2 में। तो ये इस टॉपिक के तहत अभी हम निकाले रिवैल्यूएशन, क्या निकाले सर रिवैल्यूएशन। अब जैसे ही रिवैल्यूएशन बनेगा हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल, क्या बनाएंगे सर, तो यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी और सी, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। जब भी पार्टनर बनता है तो सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बीडी होता है ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन मतलब होता है कि वो कैपिटल कितना लाया गया है, तो गौर कीजिएगा हमारा जो कैपिटल है ईबी का 3,00,000 और 2,00,000 है, 3,00,000 है, तो यहां लिखेंगे 3,00,000
और बी में लिखेंगे 2 लाख। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एंट्री में देखेंगे पार्टनर कहाँ कहाँ है। तो गौर कीजिएगा, पहला एंट्री में पार्टनर कैपिटल नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा में नहीं है, चौथा में है। चौथा में पार्टनर क्रेडिट है हमारा, तो बाय जनरल ये भी क्रेडिट बाय पीएल, बाय पीएल दो नाम पुट कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व और बाय क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखेंगे 60,000 और 40,000, यहां भी लिखेंगे 60,000 और 40,000। उसके बाद हमारा एंट्री देखिएगा, पार्टनर हमारे यहाँ सी क्रेडिट है, तो बाय कैश हो गया और बाय गुडविल हो गया, बाय कैश हो गया बाय गुडविल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय कैश, तो नया पार्टनर जो लाया है वो कैपिटल आया है 50,000, कितना लाया। उसके बाद लिखेंगे बाय गुडविल, बाय गुडविल। तो गौर कीजिएगा गुडविल के अमाउंट कितना हमारा बटा है, 30,000, 18,000 और 12,000। यहां लिखेंगे 18,000 देन 12,000, गुड। अगला हमारा पार्टनर क्रेडिट है, तो बाय हो जाएगा रिवैल्यूएशन, बाय क्या हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट गारंटी होता है, रिवैल्यूएशन पार्टनर, पार्टनर मेरा क्रेडिट है। देखिए गौर से दिया दिया वैसे पार्टनर मेरा डेबिट है, पार्टनर मेरा क्रेडिट है, पार्टनर क्या है क्रेडिट, क्रेडिट में बाय होता है, तो बाय लिखेंगे रिवैल्यूएशन। यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, अमाउंट कितना है 24,000 देन 16,000, इसको हम जोड़ देंगे तीनों को, तो ये होता है आपका 50,000, ये होता है हमारा 40,30,12,36,288,888,11,26,14, ये हो गया 3,08,000, 3,08,000, और ये होता है हमारा 420, 420, 438, 458, 458, 458, 462, 462,000। सेम ऑर्डर लिखेंगे 4,62,000, 3,08,000, then 50,000, गुड। और यहां पे इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सेम आउटपुट कर देंगे 4,62,000, 3,08,000, then 50,000। तो हमारा पार्टनर का आंसर ये आ गया हमारा, क्लियर। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्वेश्चन के अनुसार आप वर्कनोट बनाइए, और यदि आप वर्कनोट बनाते हैं, ये वर्क नोट बनाते हैं, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वर्क नोट में है। इस वर्क नोट में साफ साफ कहा गया है कि ए बी पार्टनर रेशियो रेशियो दिया है, जो आपका ओल्ड रेशियो है, और न्यू पार्टनर जब सी ज्वाइन किया अपने सिस्टम लाया, तो ओल्ड ही में क्या हुआ सैक्रिफाइस। उसके बाद कैपिटल गुडविल लाया है, प्रश्न देखें पीएल रिजर्व 1 लाख रुपीज लाया है। उसके बाद हमारा बढ़ रहा है बिल्डिंग 20%, मतलब 2 लाख का 20,000, 40,000, प्लांट घट रहा है 10,000 और कैटर घट रहा है 10,000। सारे प्रोसेस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो एंट्री बताए हैं हम, एंट्री कीजिए, एंट्री करने के पश्चात आप स्पेस को छोड़ दीजिए और रिवैल्यूएशन बनाइए, रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट लॉस होगा इसका एंट्री करेंगे, और उसी एंट्री के तहत बनाएंगे पार्टनर। यदि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप उसका एक वर्किंग नोट बनाइए, वर्किंग नोट जो होता है वो क्वेश्चन का पूरा एनालाइज होता है, और उसी वर्किंग नोट के आधार पर आप जनरल एंट्री कीजिए, क्योंकि यदि एंट्री करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप एंट्री करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन बताएंगे जितना बताएं उसको ध्यान से लीजिए, ठीक सर। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो भी बता रहे हैं उसको आप ध्यान से जरूर देखें। ओके सर।